डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल का स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट और रेस्क्यू स्टेशन का दौरा, हाइड्रेंट सिस्टम का जायजा भी लिया। पीएम मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हदायत के मुताबिक सियालकोट में वाकया फैक्ट्रीज और सनतों को आग लगने के वाकयात से महफूज बनाने और आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम की जाँच पड़ताल के लिए शाहपुरा रोड पर वाकया स्मॉल इंडस्ट्री एरिया का दौरा किया। दौरे का मकसद फैक्ट्री एरिया में लगे ग्राउमेंट हारेंटेड और लारी फिलिंग पॉइंट्स को चेक करना था ताकि बावक्त जरूरत इनका इस्तेमाल करके आग पर बरवक्त काबू पाया जा सके। मजीद बरा इन्होंने फैक्ट्री एरिया के कोऑर्डिनेटर जफर इकबाल भट्टी से इस हवाले से मुलाकात भी की और तमाम हाइड्रेंट ऑपरेशनल होने पर इनको दाद तहसीन दी और ताकीद की कि हाइड्रेंट सिस्टम 24 घंटे ऑपरेशन होने चाहिए ताकि आग लगने की सूरत में रेस्क्यू टीमों को पानी की सप्लाई मुतवातिर मिलती रहे। स्मॉल इंडस्ट्री एरिया में मौजूद फैक्ट्रीज को आग जैसे वाकयात से महफूज रखने के लिए इनके वर्कर्स की तरबियत भी फ्राहम की जाएगी। इन्होंने फैक्ट्री एरिया में वाकया रेस्क्यू स्टेशन का भी दौरा किया और कारकर्दगी का जायजा भी लिया। रेस्क्यू स्टेशन इंचार्ज मोहम्मद वकास को हदायत जारी करते हुए कहा कि फैक्ट्री एरिया में लगे हाइड्रेंट सिस्टम की हफ्तावार जाँच पड़ताल लाजमी करें और इनमें 24 घंटे पानी की सप्लाई को यकीनी बनवाएं और फैक्ट्री वर्कर्स में आग से बचाव की तरबियत फ्राहम करने के अमल को जारी रखा जाए ताकि हम मिलकर अपनी सनतों को महफूज बना सकें।